यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक होती है, और इसी बैठक में ये तय की जाती है कि प्लूटो को एक प्लैनेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि यम, प्लूटो को हिंदी में यम बोलते हैं, यम को ग्रह नहीं माना जाएगा। अब क्यों नहीं माना जाएगा? अगर आप कहिएगा कि प्लूटो प्लैनेट्स नहीं है, तो पहले आप प्लैनेट्स का डेफिनेशन दीजिए, प्लैनेट्स की परिभाषा दीजिए, और अगर उस परिभाषा के किसी भी पॉइंट को प्लूटो फॉलो नहीं करेगा, तब ना हम कहेंगे कि प्लूटो प्लैनेट्स नहीं है। तो अब देखिएगा कि क्या डेफिनेशन दिया गया। ये जो 2006 में IAU का बैठक हुआ, इसमें प्लैनेट्स का क्या क्या डेफिनेशन तय किया गया समझिएगा। पहला पॉइंट कहा गया कि हम उसी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट्स कहेंगे, पहला क्या हो कि वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि वह सेलेस्टियल बॉडी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, और कैसे लगाता हो, तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा हो, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा हो। फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि ये मान लीजिए सन है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, तो पृथ्वी सूरज का चक्कर जिस रास्ते को फॉलो करते हुए लगाती है उसको हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, यानी कि दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। तो ये फिक्स पाथ है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो इस बार इस पाथ से लगाएगा तो अगला बार अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ऐसा नहीं। मतलब पहला क्या है कि हम उसी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट्स कहेंगे जो सूरज का चक्कर लगा रहा हो और एक फिक्स्ड ऑर्बिट से होकर लगा रहा हो, यानी कि निश्चित कक्षा से होकर लगा रहा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहा गया कि समझिएगा कि उस सेलेस्टियल बॉडी के पास इतना मास होना चाहिए, मतलब कि उस सेलेस्टियल बॉडी के पास एटलीस्ट इतना मास होना चाहिए कि वह एक सर्कुलर शेप धारण कर ले, मतलब कि ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट वो क्या करे, एक सर्कुलर शेप, उसमें भीड़ ना लगा हो, मतलब समझ रहे हैं, इसके आसपास कोई छोटा बड़ा दूसरा सेलेस्टियल बॉडीज नहीं हो। अगर ये तीन कंडीशन कोई भी सेलेस्टियल बॉडी पूरा करता है तो उस सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहा जाएगा। अगर हम बात करें प्लूटो का ना, तो प्लूटो इसमें से देखिएगा कि तीसरा कंडीशन तो एकदम नहीं फॉलो कर रहा था। क्या कहा कि उसके पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि उसके आसपास भीड़ ना लगा हो किसी अदर सेलेस्टियल बॉडीज का। ऑब्वियस ये बात है कि अगर ज्यादा ग्रेविटी रहेगा इसके पास तो ये अपना पड़ोस खाली कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा ना। लेकिन अगर देखा जाए तो प्लूटो के आसपास बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स या अदर सेलेस्टियल बॉडीज का भीड़ लगा हुआ था। और दूसरा देखिएगा कि अगर हम फिक्स्ड ऑर्बिट की बात करें ना, तो प्लूटो इसको भी फुलफिल नहीं कर रहा था। कभी कभी देखा जाता था कि ये नेपच्यून के ऑर्बिट के आसपास पहुंच जाता था या नेपच्यून के ऑर्बिट में भी क्रॉस कर जाता था। तो इसीलिए 2006 में IAU ने अपने सबमिट में ये तय किया कि प्लूटो को प्लैनेट के लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, और 2006 से ही आपका प्लूटो प्लैनेट नहीं कहलाता है, और अब प्लूटो आपका ये ड्वार्फ प्लैनेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्वार्फ प्लैनेट्स, यानी कि बौना ग्रह आपका ये प्लूटो बन गया।